नमस्कार दोस्तों दोस्तों भारतीय रेलवे तेजी से विस्तार कर रहा है। राजधानी शताब्दी तेजस जैसी ट्रेनों के बाद अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का क्रेज है। बुलेट ट्रेन का काम भी तेजी से चल रहा है। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के बीच अब भारत में जल्द ही हवा से चलने वाली ट्रेन पटरी पर दौड़ने वाली है। दोस्तों भारतीय रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अगले साल यानी 2024-25 में शुरू हो सकती है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इस ट्रेन का ट्रायल हो सकता है। दोस्तों वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों जानते हैं, देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए थर्ड पार्टी से सुरक्षा ऑडिट करने के लिए जर्मनी की टू सूड को हायर किया गया है। माना जा रहा है कि दिसंबर 2024 में ट्रायल रन शुरू हो सकता है। साल 2024-25 में इस ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। माना जा रहा है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन उत्तर रेलवे जोन के तहत हरियाणा के जींद सोनीपत सेक्शन पर चलने वाली है। दोस्तों रेलवे 2030 तक खुद को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य के तहत देश में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई जाएंगी। माना जा रहा है कि साल 2024-25 में यह ट्रेन शुरू हो सकती है। रेलवे अलग अलग रूट पर 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट को हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज नाम दिया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है। इस ट्रेन में डीजल इंजन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन या पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन नहीं करती है। इन ट्रेनों के चलने से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे है। दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की मदद से इस ट्रेन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदलकर बिजली पैदा की जाती है। इसी बिजली का इस्तेमाल ट्रेन को चलाने में किया जाता है। ये ट्रेन बिना धुआं छोड़े चलती है जिससे प्रदूषण नहीं होता है। दोस्तों इस ट्रेन की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ट्रेन एक बार में 1000 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। फिलहाल इस ट्रेन को छोटे रूट पर चलाने की तैयारी है, बाद में इसका विस्तार होगा। हाइड्रोजन ट्रेन डीजल से चलने वाली ट्रेनों के मुकाबले काफी महंगी होंगी। दोस्तों यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।